राधे राधे जी, आपका स्वागत है हमारी वीडियो पे। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वृंदावन के अंदर एक विला। तो अभी हम अपनी सोसाइटी के अंदर लेकर चलेंगे आपको और विला दिखाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको दो विला दिखाएंगे, दो स्क्वायर यार्ड में। एक 108 स्क्वायर यार्ड का होगा और एक 72 स्क्वायर यार्ड का होगा। तो ये जो मेन हमारी लोकेशन होने वाली है, ये मेन NH2 होने वाली है, दिल्ली टू मथुरा हाईवे होने वाली है हमारी। हम आपको दिखाएंगे, ड्यूप्लेक्स विला है आज का, बहुत अच्छा विला है। तो ये देखिए, ये हमारा विला है जिसका जिसकी जो साइज़ की बात की जाए तो 22x45 आपकी साइज़ हो जाती है। 22 का फ्रंट है, 45 की गहराई है इसमें। ये आपको यहाँ पे दो व्हीलर खड़े करने के लिए आपको मिल जाता है, ये आपका स्पेस एरिया मिल जाता है। यहाँ से टू साइड आप गेटेड है आपका, आप उधर की तरफ से भी बाहर आ सकते हैं और इधर से भी आपका मेन गेट आ जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी विला की तरफ। तो ये विला में हम आ गए हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया है, सिटिंग एरिया है। आप चाहे तो बहुत बड़ा हॉल है, आप चाहे तो इसको आप बीच में से डिवाइड भी कर सकते हैं। 108 गज का ये डुप्लेक्स विला होने वाला है हमारा। बहुत स्पेस एरिया है, अगर आप चाहे तो। अपनी डायमेंशन बहुत अच्छी है, वैसे इसकी लॉबी भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, यहाँ से भी हमारा मेन गेट आ जाता है आपका विला का। ये डाइनिंग रूम हो गया है आगे आपका। ये देखिए, ये हमारा किचन हो जाता है, किचन भी मॉड्यूलर किचन है बिल्कुल। और पूरे हॉल में आपकी टाइलिंग लग रखी है, टाइल का वर्क हो रखा है, फिनिशिंग का वर्क हो रखा है। बात की जाए सोसाइटी की तो सोसाइटी बहुत क्लीन है सोसाइटी। ये देखिए, बहुत अच्छा एरिया है। ये हमारा किचन हो जाता है, किचन में भी आपका सारा टाइल का वर्क हो रखा है, सेटिंग भी दे रखी है सारी आपकी में। और ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम। अगर हम बात की जाए नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारे एक हॉल हो जाता है, एक मास्टर बेडरूम हो जाता है, दो वॉशरूम हो गए इसमें, एक किचन हो गया आपका। बहुत अच्छा इंटीरियर से वर्क हो रखा है इसका। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको वो स्पेस मिल जाता है, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं आप, कपड़े वॉश कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर वॉशरूम हो जाता है। ये देखिए, वॉशरूम पे भी पूरा वर्क हो रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको विला मिल रहा है तो वर्क नहीं है, पूरा वर्क हो रखा है इसमें। आप देखेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा वर्क हो रखा है इसमें आपका। अब हम आपको स्टेयर से ऊपर लेकर चलते हैं, ऊपर वाला दिखाएंगे हम आपको। बात की जाए रजिस्ट्री पेमेंट के लिए, तो रजिस्ट्री की जो पेमेंट लग जाती है 40 से 50 लाख के लगभग लग जाती है। फुल्ली फर्निश्ड का अलग रेट हो जाता है, उसमें 8-10 लाख और बढ़ाकर हो जाता है। रॉ के लिए हम आपको रेट बता देंगे डिस्क्रिप्शन पे। ये देखिए, सेकेंड फ्लोर पे ये आपका वर्क है, ये ड्राइंग रूम हो गया है, सिटिंग एरिया, यहाँ पे आपका वॉशरूम हो जाएगा। ये देखिए, पूरा टाइल वर्क हो रखा है। ये आपका बेडरूम हो गया है, और आज जो विला है, विला में आपका फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर होगा, ऊपर सेकंड फ्लोर इसमें आपकी प्लेन छत है, क्योंकि विला में नहीं दिया जाता है बेसिकली। ये देखिए, ये हमारा ड्रेसिंग रूम हो गया है, ये आपका इधर मिरर भी है, अलमारी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको अलमीरा दिया गया है, बिल्कुल मॉड्यूलर काम करके दिया गया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिया गया है। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे अपने पूरे कपड़े रख सकते हैं। बहुत प्यारा, मतलब जिस हिसाब से इस विला को बनाया गया है, बहुत प्यारा विला बनाया गया है। आपका डाइनिंग के लिए अलग से स्पेस दे रखा है, ये वॉशरूम हो जाता है।
वॉशरूम में आप देख ही रहे हैं, सारे वॉशरूम में काम हो रखा है। ऐसा नहीं है कि एक वॉशरूम में काम हो रखा है आपके दिखाने के लिए। यहाँ से देखिए आपका हाईवे भी दिख जाता है, ये बालकनी हो जाती है आपकी। रेडी टू मूव है, रेडी टू मूव के लिए आपको 1.5 महीने मिल जाते हैं, 1 से 1.5 महीना मिल जाता है रजिस्ट्री के लिए। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन दे लेते हैं तो उसमें आपको 6 से 7 महीने मिल जाते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है NH-19 से टच पे ही है बिल्कुल। बहुत प्यारी सोसाइटी है, बहुत क्लीन एरिया है। जो विला है उसके सामने की जो रोड की बात की जाए तो 30 फीट की यहाँ पे रोड जा रही है आपकी आगे से। ये देखिए कितनी प्यारी सोसाइटी है, कितनी यहाँ पे आपको पॉल्यूशन की भी दिक्कत नहीं। आजकल लोग पॉल्यूशन की उससे कहाँ कहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत से एरिया छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की दिक्कत भी नहीं होगी। ये देखिए ये हमारी NH-19 है। अब हम आपको अपने जो सेकंड विला है उसकी तरफ लेकर चलते हैं, जो 72 स्क्वायर यार्ड में है। उसकी भी हम कुछ कुछ आपको इमेजेस दिखा दे जाएगी, वो भी पता लग जाए आपको कि कैसा है। तो जल्द से जल्द बुकिंग करवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। विज़िट के लिए भी अगर आप आते हैं तो विज़िट के लिए भी जल्द से जल्द संपर्क करिए, ताकि हम आपको विज़िट करा सकें और हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर सकें। अगर आप वृंदावन में हैं और अगर आप विला लेना चाह रहे हैं या प्लॉट के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं कहीं पर, तो आप जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा 72 स्क्वायर यार्ड का ड्यूप्लेक्स विला हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे आपका 2 व्हीलर खड़ा हो सकता है बेसिकली। ये देखिए ये हमारा हॉल हो गया है। अगर बाहर देखे जाए, ये देखिए ये हमारा हॉल हो गया है। इधर आपका किचन हो जाता है, ये देखिए किचन में भी काम हो रखा है। यहाँ आपका ये फर्स्ट बेडरूम हो गया है, ये बेडरूम के साथ अटैच आपका वॉशरूम है। और ये स्पेस है आपके वॉशिंग के लिए, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं आप, कपड़े वॉश के लिए स्पेस दे रखा है। अब हम स्टेयर से ऊपर चलते हैं, मैं आपको अब सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ कि सेकंड फ्लोर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए हम जैसे ही एंट्री लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रूम आ जाएगा। ये रूम है बेसिकली, आप इसको ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। ये आपकी बालकनी से ये व्यू आ जाता है आपका, कितना शानदार व्यू है। और इधर शोर शराबा नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इधर शोर शराबा नहीं है, बहुत क्लीन एरिया सोसाइटी है, बिल्कुल पोज एरिया जिसे बोलते हैं ना, उस हिसाब से आपकी सोसाइटी होने वाली है। ये देखिए ये भी आपका रूम हो गया है, इधर भी आपका रूम है, कितना प्यारा रूम है। यहाँ पे आपके वॉशरूम हो गया है दोबारा, और ये आपकी इधर से बालकनी हो गई है, वो उधर की तरफ की बालकनी थी, ये इधर की तरफ से है। तो दोनों तरफ से आपकी दोनों रूम पे बालकनी भी दी गई है, ये मैंने अभी आपको दिखाया ही था। तो इसमें 2 रूम हैं, 2 वॉशरूम हैं आपके, 2 साइड, दोनों साइड में आपकी बालकनी भी हो जाती है। ये देखिए दोनों साइड में बालकनी दी गई है, आपको वॉशिंग एरिया दिया गया है, मतलब 72 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बहुत अच्छा विला बनाया गया है। तो राधे राधे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जाते जाते ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से प्रोजेक्ट पे बनाएंगे।